आप सब इस बात को जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक फर्जी महिला को, जिसने कि अनामिका शुक्ला के नाम से नौकरी कर रही थी फरीदपुर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, उसको गिरफ्तार किया था। उसका नाम सुप्रिया था। उससे जो पूछताछ की गई थी, उसके बाद उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई, जिससे ये बात पता चली कि उसको जो नौकरी दिलवाने में जो फर्जी कागज बनाए गए थे और जो फॉर्म डलवाना, इन सब चीजों में जो मदद की थी वो एक राज नाम के व्यक्ति और उसके भाई जसवंत ने की थी। जब इस बात पे हमारी टीम ने आगे काम किया तो आज उसी के क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम है जसवंत सिंह सनौत मेहराम सिंह, ये रहने वाला थाना भोगाव क्षेत्र का है, इसको गिरफ्तार किया है। इसने अपने जो पूछताछ में ये बताया है कि जो लड़की सुप्रिया भर्ती हुई थी उसको भर्ती कराने में इसने और इसका भाई पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ नीतू, इन्होंने दोनों ने मिलकर कागजात फर्जी बनवाए थे और उसको भर्ती कराने में उसकी मदद की। और जब इससे गहराई से पूछताछ की गई तो इसने ये भी बताया कि ना ही सुप्रिया, इसके अलावा उसने कम से कम 17 से 18 लड़कियों को अनामिका शुक्ला के नाम से भर्ती होने में सहायता की, जिसमें मुख्य रोल इसके भाई पुष्पेंद्र ने अदा किया और कुछ सहायता इसके द्वारा अपने भाई को और उन लड़कियों को की गई जो फर्जी तरीके से भर्ती हुई। इससे और गहराई से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा यह बताया गया कि सबसे पहले इसने और इसके भाई पुष्पेंद्र ने दो लगभग 7 वर्ष पूर्व एक लड़की को भर्ती कराया था जिसको फर्जी नाम दीप्ति सिंह से भर्ती कराया था। दीप्ति सिंह ये नाम है जो फर्जी नाम से भर्ती कराया था। ओरिजिनल नाम है जो हमारे विवेचना का पार्ट है, इसे अभी उसको रिवील हम नहीं कर रहे। उस दीप्ति सिंह नाम से 7 साल पहले इसने भर्ती कराया। फिर 2015 में इससे और गहराई से पूछताछ की तो इसने ये बताया कि 22/9/2015 में ये खुद जो आज गिरफ्तार हुआ अपराधी है जसवंत सिंह, ये खुद भी एक शिक्षक के रूप में कन्नौज में भर्ती हुआ और बाकी जो महिलाएं हैं वो संविदा पे भर्ती है या रेगुलर रूप से भर्ती हुआ। और आज की डेट में ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामपुर बरौली विकास क्षेत्र हरसेन में कन्नौज में एक इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा है। 2015 से ये वहां पे काम कर रहा है। इससे जब गहराई से पूछताछ की तो इसने ये बताया कि इसका ओरिजिनल नाम जो है वो जसवंत सिंह सनौत मेहराम सिंह है। इसका जो एजुकेशन है वो बीए सेकंड ईयर तक है, ये बीए का थर्ड ईयर पास नहीं हुआ है, ये सेकंड ईयर तक ही पास हुआ है। और इसने जो नौकरी कन्नौज में पाई है और इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में काम कर रहा है, वहां पर उसने बीएससी बीएड और टेट क्वालिफाइड होने का जो फर्जी कागज है वो जमा किए, जो कागज बीएससी ऑफिस में जमा है जिनकी जांच आगे करी जाएगी। इसकी सूचना हम लोग वहां पर भी जनपद कन्नौज में पुलिस अधीक्षक कन्नौज बीएसए कन्नौज जिलाधिकारी कन्नौज को भेज रहे हैं, ताकि जो पूछताछ में इसने रिवील किया है कि ये ना ही अन्य लड़कियों को भर्ती कराता था बल्कि ये खुद भी कन्नौज में भर्ती है और प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये सब डिटेल उसको भेजी जाएगी। आज के डेट में कह रहा है कि ये लगभग 55,000 सैलरी पाता है और इसने इसी विभव कुमार के फर्जी नाम से कुछ लोन भी लिया है जिससे उसने गाड़ी वगैरह भी खरीदी है। तो ये एक तरीके से दो आइडेंटिटी मेंटेन करता है, खुद उसका ओरिजिनल जो आइडेंटिटी है वो जसवंत सिंह के नाम से है, इसके बच्चों के जो कागजात है, बच्चों का जाति प्रमाण पत्र है या स्कूल के कागज है वो उसके जसवंत सिंह के नाम से है, पर उसकी जो नौकरी वो कर रहा है वो विभव कुमार के नाम से कर रहा है। इसके अलावा कोई उसने लोन लिया है, कोई भी उसने सामान खरीदा है तो वो विभव सिंह के नाम से कर, विभव कुमार के नाम से कर। अब तक इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं, कितने प्रकाश में आए हैं, उन्होंने अब तक कितनी नौकरियां लगवाई हैं? अभी तक जो हमारी पूछताछ हुई है उसमें इसका नाम है जो गिरफ्तार हुआ है, इसके अलावा इसका जो भाई है पुष्पेंद्र उर्फ राज उर्फ नीतू, ये मुख्य रूप से है, इसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं, जल्दी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और राज के पूछताछ के बाद भी और कुछ लोगों की शामिल होने की बात सामने आ सकती है, इसके पूछताछ से बस राज का नाम सामने आया है। और इसने ये क्लेम किया है कि कम से कम 18 से 20 लड़कियों को अनामिका शुक्ला के नाम से भर्ती कराने में इसने और इसके भाई राज ने मदद की है। 7 साल पहले एक लड़की को और कुछ और लड़कियों को दीप्ति सिंह नाम से भर्ती होने में इसने मदद की है और ये खुद विभव कुमार के नाम से कन्नौज में नौकरी कर रहा है। जो मेन मास्टरमाइंड अभी फरार है उस पर इनाम भी घोषित किया गया है? बिल्कुल, उस पर इनाम हम लोग घोषित कर रहे हैं, उसको हमारे केस में वो वांछित है और हमारी टीम को भी उस पर लगाया गया है, उसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में और भी कुछ डिटेल मिलने की आशा है। अभी तक की जांच में ऐसी बात आई है ऐसा हम कह नहीं सकते, अभी इसकी पूछताछ जो की है उसमें उसने कुछ इस तरीके की बात नहीं बताई है,
पर इसकी जो फोन रिकॉर्ड है उनको हम एनालाइज करेंगे। और इसका ये कहना है कि जो मुख्य रूप से जो काम है वो इसका भाई राज करता था, ये इसको कागज बनाने में सहकार्य करता था। तो जब राज पकड़ा जाएगा तो इन सब चीजों के बारे में कुछ बातें बताई जा सकती है, राज के पूछताछ में हो सकता है कुछ चीजें पता चले। कप्तान साहब, ये इतना बड़ा फर्जी मामला लगातार होता चला रहा है, क्या इस भर्तियों में पुलिस की वेरिफिकेशन नहीं होती है? क्या ऐसी पुलिस वेरिफिकेशन हुई होती तो ये नहीं हो पाता? इसके संबंध में जांच करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ के बीएसए, उन्होंने पूरा जो हमें रिपोर्ट दिया था उसी के आधार पे एफआईआर हुई है। उन्होंने ही ये प्रकरण पहले हम लोग को संदर्भित किया था और जो भी इसमें प्रॉब्लम है उसको चेक कर लिया जाएगा और उस पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी।